नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने खास द एक्सेलेंसेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को आप जितना हो सके सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों का जिस तरीके से हमारे पास रेस्पॉन्स आता है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों का कोई भी डाउट मैसेज भी नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आप बहुत अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ भी पा रहे हैं और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से जांच रहे हैं। जैसा कि हमें याद है कि लास्ट क्लास में हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में वर्ब के रिगार्डिंग मैंने कर्म के आधार पर आपको दो बताई थी, सकर्मक और अकर्मक। थोड़ा सा दो मिनट के लिए मैं उनको भी बता देता हूँ कि दोस्तों वो कौन कौन सी हैं। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। जहाँ कर्म रहेगा वो सकर्मक और जहां कर्म नहीं होगा वो अकर्मक। हाँ या ना? इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं, देखें उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर क्रिया होती है दो, एक होती है आपकी मूल क्रिया और एक होती है दोस्तों आपकी यौगिक क्रिया। पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाइएगा दोस्तों। देखें, अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर ये मूल क्रिया और यौगिक क्रिया कौन सी होती है, ठीक है। तो ये समझाने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए, इसमें मूल क्रिया पढ़ेंगे, यौगिक क्रिया पढ़ेंगे, संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, हम इसमें सहायक क्रिया पढ़ेंगे, हम इसमें नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए, मूल क्रिया यानी कि इसमें एक चीज, ये जो क्रिया शब्द जो लिखा है, ये जो शब्द बना है ना, ये क्र धातु में या प्रत्यय जोड़ने से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रिया शब्द में धातु क्या है, क्र धातु है और या क्या लगा है, प्रत्यय लगा हुआ है, क्लियर है। और क्रिया के मूल शब्द को, मूल अंश को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? मूल अंश को ही हम इसको धातु कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर धातु के साथ कोई प्रत्यय न हो, धातु के साथ कोई प्रत्यय ना हो, तो वो कहलाएंगी आपकी मूल क्रिया। और धातु के साथ प्रत्यय लगा हो उसे कहते हैं हम यौगिक क्रिया। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियोस में आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ। सिंपल, धातु के साथ अगर प्रत्यय नहीं लगा होगा तो मूल क्रिया, और अगर धातु के साथ प्रत्यय लगा होगा तो यौगिक क्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं, पढ़, लिख, उठ, बैठ, हंस आदि, तो यहां देखें धातु के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा, ये सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। और जहां धातु के साथ प्रत्यय लगा होता है वो कौन सी कहलाती है, मेरी यौगिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने लिखा पढ़ना, लिखना, उठता, बैठता, हंसना, तो आप ये देखें कि धातु के साथ मैंने क्या लगाया है, धातु के साथ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रत्यय लगा हुआ है। तो जहां धातु के साथ प्रत्यय लगा होगा वो यौगिक कहलाएंगी, और जहां धातुओं के साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा होगा वो आपकी मूल क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग इसकी। उसके बाद देखें, यानी कि आप लोग धातु समझ चुके हैं, धातु किसे कहते हैं,
तो अपने दिमाग में एक चीज याद रखिए, अगर धातु के साथ प्रत्यय नहीं लगा होगा तो मूल होंगी, और अगर लगा होगा तो वो यौगिक होंगी, सिंपल। उसके बाद क्रियाएं देखें भिन्न भिन्न प्रकार की। जैसे मैंने कहा एक होती है आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया की अगर मैं बात करूं तो जो शब्दांश क्रिया को सहायता प्रदान कराते हैं, यानी कि जो शब्द क्रिया को पूर्ण करते हैं उन्हें कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे मैंने कहा इंग्लिश में कहते हैं ना इंग्लिश की इज एम आर, तो इसमें जैसे मैंने लिखा वह पढ़ता था, वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये जो था है हूँ है, ये कहलाती है आपकी सहायक क्रिया। इंग्लिश में हम दोस्तों आप पता ही नहीं क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये होती है सहायक क्रिया, कितनी शॉर्ट वे में क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। अब बताइए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है दो, यानी कि जहां दो क्रियाएं एक साथ काम करती हैं। अगर मैं ये कहता हूं देखो सिंपल सी, राम पढ़ता लिखता है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो संयुक्त क्रिया है, साफ पता चल रहा है, क्योंकि जहां पर दो अलग अलग क्रियाओं का संयोग होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ना मैं पढ़ चुका, तो इसमें देखो ये संयुक्त क्रिया है। क्या है, मैं पढ़ना एक क्रिया हो गई, चुकाना एक क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी संयुक्त क्रियाएं। मैंने कहा वह चली गई, चलना और गई मतलब जाना, क्या हो गई, ये हो गई आपकी संयुक्त क्रियाएं, इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। अब देखो मूल क्रिया, जहां पर धातु के साथ प्रत्यय ना लगा हो मूल, और जहां धातु के साथ प्रत्यय लगा हो यौगिक, सहायक क्रिया था है हूं ये सब होगा, और संयुक्त क्रिया जहां भिन्न भिन्न दो क्रियाओं का संयोग एक साथ होता है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। बताइए, कोई डेफिनेशन याद करने की बात नहीं है यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दो तीन बार अगर आप याद करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें बेहतरीन तरीके से क्लियर होती है वो, ठीक है। आई होप कि सहायक संयुक्त मूल और यौगिक भी क्लियर हो गई आपको। अब हम ले चलते हैं आपको दूसरी क्रिया की ओर। एक होती है दोस्तों हम लोगों के लिए प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, एक होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा। ये देखिए प्रेरित करना, जहां कर्ता, मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो समय लगता है इसलिए बता देता हूं, जहां कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके उस कार्य के लिए किसी अन्य को प्रेरित करता है उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। उसे क्या कहते हैं हम, प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल देखिएगा समझने की कोशिश। देखिए मैंने लिखा सास बहू से काम करवाती है, मोहन दर्जी से कपड़े सिलवाता है। अब यहां पर ये देखो, पहले वाले सेंटेंस में कर्ता कौन है, सास, और दूसरे में कौन है, मोहन। तो यहां पर सास क्या काम करवा रही है, किससे काम करवा रही है, बहू से। क्या इसमें सास खुद काम कर रही है, नहीं कर रही, किससे करवाती है, बहू से। मोहन क्या स्वयं खुद कपड़े सिल रहा है, नहीं,
वो किससे सिलवाता है? दर्जी से। तो जहां पर कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और यही प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों याद रखिएगा कितनी होती है, दो प्रकार की होती है। देखें अब मैं इसको यहां बता देता हूं, एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, एक कौन सी क्रिया होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक, और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। इन दोनों में अंतर क्या है इस चीज को देखें। यानी कि जिन क्रियाओं के साथ आप ये देखें, अगर आना प्रत्यय लगा होगा तो वह प्रथम प्रेरणार्थक होंगी, और जहां वाना प्रत्यय लगा होगा वो आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। जैसे मैंने लिखा पढ़ना, लिखना आदि। अगर मैं इसको प्रथम प्रेरणार्थक में कन्वर्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? पढ़ाना। इसका क्या हो जाएगा? लिखाना। और इसको अगर मैं द्वितीय प्रेरणार्थक में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? पढ़वाना। और इसको ही अगर द्वितीय प्रेरणार्थक में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखवाना। कितनी सिंपल है, जहां आना प्रत्यय लग गया वो प्रथम प्रेरणार्थक, और जहां वाना प्रत्यय लग गया वो द्वितीय प्रेरणार्थक। इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, नोट पॉइंट, सभी सकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जितनी भी मेरी ट्रांसलेटिव वर्ब्स होती हैं, जितनी भी मेरी सकर्मक क्रियाएं होती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी कौन सी क्रियाएं होती हैं? हमारी प्रेरणार्थक, यानी कि सॉरी कौन सी सकर्मक, जितनी भी सकर्मक क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। क्लियर है? अब देखो ये भी अच्छे से क्लियर हो गया कि जहां पर कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से करवाता है तो दोस्तों वो कौन सी क्रियाएं होती हैं? वो होती हैं आपकी सकर्मक क्रियाएं, सॉरी प्रेरणार्थक क्रियाएं। और प्रेरणार्थक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक को पहचानने के लिए आना प्रत्यय लगा होगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए आपकी कौन सी क्रिया होगी? वाना प्रत्यय लगा होगा। तो अब हमने मूल कर दी, यौगिक कर दी, सहायक कर दी, संयुक्त कर दी, प्रेरणार्थक कर दी, प्रेरणार्थक के दो भेद कर दिए, प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। इसके साथ एक होती है दोस्तों, आप लोगों के लिए बता देता हूं, नाम धातु। नाम धातु क्रिया सिंपल, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ अगर कोई भी प्रत्यय लगा होगा तो क्या बनती हैं वो आपकी? नाम धातु क्रिया बन जाती हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के साथ मैंने लिखा हाथ। हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है। हाथ के साथ मैंने जैसे ही लगाया ईयाना प्रत्यय तो क्या बन गया इसका? हथियाना। चमक ता इक्वल टू चमकता या चमकना। यानी कि याद रखिएगा, संज्ञा शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ या विशेषण शब्द के साथ अगर प्रत्यय लगा होगा तो कौन सी क्रिया बनती है दोस्तों? वो बनती है नाम धातु क्रिया। ठीक, आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपकी मोस्ट दो क्रियाओं के साथ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक होती है दोस्तों आपकी पूर्वकालिक,
और एक होती है तत्कालिक क्रिया। देखिए एक होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया और एक होती है आपकी तत्कालिक क्रिया। पूर्वकालिक और तत्कालिक क्रिया में अंतर क्या होता है देखें, जहां प्रथम यानी कि पहली क्रिया का समापन न हो और जहां पहली जहां सॉरी जहां प्रथम क्रिया का समापन हो, जहां प्रथम क्रिया का समापन न हो, इसको याद करने के लिए आप याद रखिएगा इसमें हमेशा आप कर प्रत्यय लगा होगा क्रिया के साथ। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, वह पढ़कर सो गया, तो इसमें देखिए पहली क्रिया का समापन हो, वह पढ़कर, पहली क्रिया यही, दूसरी क्रिया सोना हो गई, तो यह वह पढ़कर यानी कि उसने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली उसके बाद सो गया। जहां प्रथम क्रिया का समापन न हो वह पढ़ता पढ़ता सो गया। सोहन लिखकर पढ़ता है। अब सोहन लिखकर पहले लिख लेता है उसके बाद उस चीज को वो पढ़ता है, तो इसमें देखें पहली क्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है लेकिन इसमें नहीं हो रही। इसमें अगर मैं देखूं वह देखते देखते गिर गया, ये लीजिए, तो देखते देखते गिर गया का मतलब उसकी जो पहली क्रिया है वो समाप्त नहीं हुई। तो दोस्तों आज हमने तत्कालिक क्रिया पढ़ी, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ी, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हमारा ये जो क्रिया का जो टॉपिक है ये भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।